नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत तिवारी पाठशाला रेलवे एग्जाम सर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों 6 मार्च 2021 आज की सुबह 7 बजे आपकी करंट अफेयर्स आ चुकी है। सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठ जाएंगे और अपनी क्लास को थरोली तरीके से पढ़ेंगे। सभी लोग थ्योरी को तैयार करेंगे। आपके आने वाले आगामी जितने भी एग्जाम्स हैं आपके लिए ये सारी करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए मंथली करंट अफेयर्स जो जनवरी और फरवरी दोनों महीने की है वो दोनों ही महीने की 2 दिन के अंदर मैं आपको करंट अफेयर्स लाकर दे दूंगा। 2 दिन में वो आएगी और आपकी करंट अफेयर्स हो जाएगी, ठीक है। तो सभी लोग क्लास को यहाँ पर शेयर भी करते रहेंगे और सभी लोग पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में UNGA ने भारत की पहल पर किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। दोस्तों ये मोटे वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो घोषित हुआ है ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको स्वीकृति दी है। हाल ही में दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण प्लेटिपस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस देश में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत में चाबहार दिवस हर साल कब मनाया जाता है और अब ये चाबहार है क्या, हमें इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में वैन इफ्रा ने किस को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर का 2020 का नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, जो कि अभी दोस्तों 26 फरवरी को ये कार्यक्रम स्टार्ट हुए थे। हाल ही में नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक जिसको म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स कहते हैं 2020 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा भारत में सबसे साफ शहर कौन सा है। हाल ही में जारी 11वीं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है। हाल ही में किस रॉकेट कंपनी ने स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट जिसका नाम SN-10 रखा गया है का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाल ही में कौन सा क्रिकेटर एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाला दुनिया का तीसरा और T20 दुनिया का दूसरा बल्लेबाज बन गया है। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है। दोस्तों ये आज के क्वेश्चन है और सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाएंगे और अपनी क्लास को थ्योरी के तरीके से पढ़ेंगे और सभी लोग क्लास को शेयर भी करेंगे। शेयर भी करिए दोस्तों, क्योंकि शेयर करना आप ही पर डिपेंड है। आप जितना शेयर करेंगे क्लास को उतनी क्लास और अच्छे से इसको कई सेक्शंस में तोड़कर हम अदर एग्जाम्स के लिए एक पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए भी लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्लास को शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में UNGA ने भारत की पहल पर किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2023 को 2033 को घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, या फिर दोस्तों इसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा। ध्यान रखिएगा ये UNO का अंग है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 6 अंगों में से वन ऑफ दी पार्ट ऑफ क्या 6 organs ऑफ UNO, यानी UNO के 6 अंगों में से दोस्तों ये UNO का एक अंग भी है। UNGA, ध्यान रखिएगा, दुनिया में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किए जाते हैं जैसे वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल डे, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किए जाते हैं दोस्तों ध्यान रखिएगा ये अंतर्राष्ट्रीय दिवसों की घोषणा कौन करता है, UNGA करता है। इसके लिए दोस्तों UNO के जो देश होते हैं, UNO के देशों में मतदान होता है और उसमें बहुमत से तय किया जाता है कि इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाए या ना किया जाए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा UNGA ने अभी हाल ही में वर्ल्ड इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोर्स ग्रीन्स या फिर मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या किया है, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी इंटरनेशनल डे क्या हुआ है घोषित किया। ध्यान रखिए दोस्तों, इसकी पहल किसने की थी, इसकी पहल भारत द्वारा पहल की गई थी जिसका समर्थन दोस्तों 70 से अधिक देशों द्वारा भारत का समर्थन किया गया और भारत के समर्थन में जो प्रारंभिक समर्थन था दोस्तों, जो शुरुआत से ही ये देश भारत के साथ जुड़े हुए थे कि प्रारंभिक समर्थन कौन कौन करेगा, तो ध्यान रखिए दोस्तों प्रारंभिक समर्थन की बात करें तो बांग्लादेश, केन्या, नेपाल, नाइजीरिया, रशिया, इन लोगों ने क्या की थी, पहल की थी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये प्रारंभिक समर्थन दे रहे थे भारत के साथ साथ बांग्लादेश, केन्या, नाइजीरिया, इसके साथ साथ रशिया।
तो ध्यान किया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अभी हाल ही में इस प्रकार का नया वर्ष घोषित किया है 2023 को, और इसमें दोस्तों आपका नेपाल भी शामिल था। नेपाल ने भी भारत का क्या किया है, समर्थन किया था। तो दोस्तों ये प्रारंभिक क्या है, समर्थक है। इसके बाद 70 से अधिक देशों ने यूएनजीए की वोटिंग के दौरान भारत को समर्थन दिया कि 2023 को दोस्तों क्या किया जाए, इंटरनेशनल डे ऑफ कोर्स ग्रेन्स या फिर मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जाए। दोस्तों इस दिन को घोषित करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा, तो ध्यान रखिएगा यहां पर अनाजों की उपज पर ध्यान देना, दुनिया भर के देशों को इस पहल में लाना कि अनाजों की उपज पर ध्यान रखिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के साथ साथ अनाजों की उपज भी धीरे धीरे कम हो रही है। तो अनाजों की उपज और इनसे होने वाले जो स्वास्थ्य लाभ होते हैं, इनसे होने वाले स्वास्थ्य लाभ के लिए क्या करना, का प्रचार करना, ये इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का क्या है दोस्तों, इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य है, जो कि 2023 को घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य किस देश में बनेगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पहले हम लोग बात करते हैं प्लेटिपस की। ये प्लेटिपस क्या है मैं आपको इसके बारे में बता दूं, और ये अभी ऑस्ट्रेलिया में घोषित हुआ है। प्लेटिपस क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो मैमेलियंस होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी तीन प्रकार के होते हैं। एक स्तनधारी होता है प्रोटोथीरिया, एक होता है मेटाथीरिया, और एक होता है यूथीरिया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मैमेलियंस होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, जो मैमल्स होते हैं दोस्तों, तीन प्रकार के होते हैं। एक प्रोटोथीरिया होता है, एक मेटाथीरिया होता है, और एक यूथीरिया होता है। हम जो मनुष्य होते हैं दोस्तों, हम मनुष्य किसमें आते हैं, यूथीरिया में आते हैं। और जो प्रोटोथीरिया होते हैं दोस्तों, इन प्रोटोथीरिया में रेप्टाइल्स के लक्षण भी होते हैं, यानी सरीसृप के लक्षण भी होते हैं, और कुछ लक्षण इसमें स्तनधारियों के भी होते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस प्रकार के जो प्रोटोथीरिया जीव होते हैं, ये लगभग दुनिया में विलुप्त हो चुके हैं। और आपको मैं इनके बारे में बता दूं, जितने भी ये जीव पाए भी जाते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। इनमें दोस्तों दो बड़े फेमस है, एक तो है एकेडिना, एकेडिना एक प्रोटोथीरिया जीव है, और एक आपका डक बिल प्लेटिपस, इसी के नाम से दोस्तों प्लेटिपस अभयारण्य का नाम पड़ रहा है। तो ये दोस्तों दुनिया में विलुप्त हो चुके जीवों में आ रहे हैं, अब ये विलुप्त हो चुके हैं लगभग, जो कि दोस्तों प्रोटोथीरिया बोले जाते हैं, और ये भी क्लाइमेट चेंज का ही इन पर प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से ये विलुप्त हो रहे हैं। तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने यहां पर एक प्लान बनाया है कि अब दोस्तों क्या किया जाएगा, प्लेटिपस अभयारण्य बनाया जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया में इसी डकबिल प्लेटिपस को बचाने के लिए, डकबिल प्लेटिपस को बचाने के लिए प्लेटिपस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन रही है। और दोस्तों इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दो लोग बना रहे हैं, एक बना रहे हैं तोरोंगा कंजर्वेशन सोसाइटी, ध्यान रखिएगा तोरोंगा कंजर्वेशन सोसाइटी, और दोस्तों जो दूसरा है वो है आपका सिटी ऑफ वेस, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू साउथ वेल्स। ये लोग इस प्रकार के अभयारण्य का क्या कर रहे हैं दोस्तों, निर्माण कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के अभयारण्य में कुछ ऐसे तालाबी क्षेत्र बनाए जाएंगे या अर्धजल क्षेत्र बनाए जाएंगे, क्योंकि ये डकबिल प्लेटिपस और एकेडिना दोस्तों ये नदियों के किनारे या समुद्र के किनारे चट्टानों से छोटे मोटे जीव खाया करते हैं, और जनरली ये डकबिल यानी कि बतख की चोंच की तरह इसकी मुंह होता है, इसीलिए इसका नाम दोस्तों डकबिल प्लेटिपस रखा गया। वैसे ये सरीसृप जीव भी है, और ये क्या है, स्तनधारी भी है। ध्यान रखिएगा, ये एक्सेप्शनल जीव है दोस्तों, जो किसमें आते हैं, प्रोटोथीरिया में। दुनिया में जितने भी एक्सेप्शनल जीव है, जनरली दोस्तों न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया या तस्मानिया में ही पाए जाते हैं, जो कि पूरा ओशिनिया महाद्वीप में आता है। ध्यान रखिए, यहाँ पर मैंने एम भी लिखा है, यहाँ पर मेटाथीरिया आता है, मेटाथीरिया में आपका कंगारू आता है, जो भी एक एक्सेप्शनल जीव है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये है आपका प्लेटिपस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि तोरोंगा कंजर्वेशन सोसाइटी और न्यू साउथ वेल्स इसको 2022 तक तालाबों के साथ क्या करेगा, तैयार करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में चाबहार दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, चाबहार दिवस की अगर बात करें तो हर साल 4 मार्च को मनाया जाएगा या मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में आपको मैंने पहले भी बताया था, आपका इंडिया मैरिटाइम समिट हो रहा है। इंडिया मैरिटाइम जो समिट हो रहा है, इसको बोलते हैं मैरिटाइम, यानी कि समुद्री जो सम्मेलन हो रहा है,
भारतीय समुद्री सम्मेलन या इंडिया मैरिटाइम इंडिया जो समिट हो रहा है, जो कि 204 तारीख से 2 तारीख से 4 तारीख के बीच आयोजित किया गया। ये 2 तारीख से 4 तारीख के बीच में 2021 में मैरिटाइम इंडिया समिट जारी किया गया। इस समिट में दोस्तों ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान, और ये मैं एक देश का नाम क्यों ले रहा हूं अभी मैं बताता हूं आपको, अफगानिस्तान, ईरान, और ईरान जहां होगा वहां रशिया जरूर होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ईरान रशिया का समर्थक है, ठीक है। तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान और यहां पर आपका रशिया, और एक दोस्तों और उज्बेकिस्तान, ये सब एक दूसरे के समर्थक है। कभी आपने नाम सुना होगा, कभी आपने सुना होगा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, भले ही उसमें चाइना है दोस्तों, लेकिन ध्यान रखिएगा वो लोग चाइना के समर्थक नहीं है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों ध्यान रखिएगा आपका कजाकिस्तान भी है, उज्बेकिस्तान भी है और रशिया भी है, ये सब एक दूसरे के समर्थक है। और दोस्तों यहाँ एक देश और, आर्मेनिया, आर्मेनिया, ध्यान रखिएगा इन देशों के जो मंत्रिमंडल के मंत्री हैं उनका मंत्री स्तरीय अभी सम्मेलन हो रहा हुआ है, जिसका नाम पड़ा है दोस्तों मैरिटाइम इंडिया समिट। अब यहां पर है क्या, ये जब समिट हुआ तो इस समिट के दौरान 4 मार्च को दोस्तों क्या किया गया, 4 मार्च को इंडिया ने डिक्लेयर किया चाबहार दिवस। दोस्तों ये चाबहार है क्या, चाबहार एक पोर्ट है और बहुत विवाद है, ध्यान रखिए दोस्तों, ईरान का एक पोर्ट क्षेत्र है जिसको बोलते हैं चाबहार, और एक हमारे जम्मू कश्मीर का जो जो आपका पीओके वाला रीजन है वो है दोस्तों ग्वादार। तो असल में एक चाबहार प्रोजेक्ट था, एक चाबहार प्रोजेक्ट बना था, ये दोस्तों चाबहार जो पोर्ट बन रहा था जो प्रोजेक्ट के तहत आया था, ये क्या करेगा, ये ईरान को, अफगानिस्तान को और ये इंडिया को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। इससे दोस्तों पाकिस्तान बाहर कर दिया गया, तो पाकिस्तान को रखा ही नहीं गया। तो इस तरीके से क्या है दोस्तों, चाबहार पोर्ट के तहत ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया एक दूसरे की मदद कर सकते हैं व्यापारिक। और इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत किसको है, चाबहार जो पोर्ट है इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत दोस्तों चाइना को है। चाइना नहीं चाहता क्या कि वो चाबहार पोर्ट बनने दे, उसके लिए उसने ग्वादार में, जो हमारा पीओके का रीजन है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का है, उसने ग्वादार में अपनी रोडें बना रखी है, और वो नहीं चाहता कि चाबहार में भारत क्या करे, पोर्ट बनाए, वो किसी प्रकार की दिक्कतें पैदा करना चाहता है। और हाल ही में जैसा देखा गया है, अभी द हिंदू में एक एडिटोरियल भी आया था कि चाबहार का पोर्ट जो है वो फेलियर हो रहा है इंडिया का, इंडिया इस प्रकार का पोर्ट नहीं बना पा रहा है, और ये सबसे बड़ी जीत माना जा रहा है किसकी, चाइना की। तो ध्यान रखिए दोस्तों, चाइना की जीत का मतलब यही है कि वो चाबहार को नहीं बनने देना चाहता है, और चाबहार पोर्ट जो ही ईरान में पड़ता है, ईरान की एक सिटी है दक्षिणी ईरान में, तो इसी को भारत ने चाइना को दिखाने के लिए कि आपके साथ वालों को हम अपने साथ रख रहे हैं, जैसे कि ईरान आपका रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, दोस्तों ये आपका SCO में आते हैं, लेकिन ये भी इंडिया का साथ दे रहे हैं। तो इस तरीके से भारत ने इस बिना पर चाबहार दिवस का क्या किया है, डिक्लेरेशन, कौन सी तारीख को, 4 मार्च को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, सभी लोग क्लास को शेयर भी कर देंगे। हाल ही में वैन इफ्रा ने किसको चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर का नाम दिया है, ध्यान रखिए दोस्तों, वैन इफ्रा, पहली बात तो ये वैन इफ्रा है क्या, ध्यान रखिएगा वैन इफ्रा क्या है दोस्तों, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर बोला जाता है, ध्यान रखिएगा वैन इफ्रा, IFRA, इसको दोस्तों बोला जाता है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ पब्लिशर्स। ध्यान रखिए दोस्तों, वैन इफ्रा द्वारा क्या किया जाता है, हर साल एक चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है। दोस्तों इस चैंपियन पब्लिशर ऑफ द अवार्ड में क्या होता है, दुनिया भर के जो डिजिटल मीडिया है, डिजिटल मीडिया के जितने भी प्रकाशक हैं, वो जो जिस क्षेत्रों में बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको इस प्रकार का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इसमें दोस्तों 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मिलते हैं, 2 गोल्ड और 2 सिल्वर प्रदान किए जाते हैं। और ये पूरा का पूरा दोस्तों जो ये चैंपियन ऑफ द ईयर, चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है, ये वैन इफ्रा द्वारा दिया जाता है, इनके द्वारा दिया जाता है। अभी हाल ही में द हिंदू ग्रुप जो कि सबसे ज्यादा कम्युनिस्ट खबरें छापते हैं, तो ध्यान रखिए द हिंदू ग्रुप को इस प्रकार का क्या दिया गया है, अवार्ड दिया गया है दोस्तों, जिसको चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, जो कि वैन इफ्रा यानी वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ पब्लिशर्स ने दिया। ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें 2 गोल्ड और 2 सिल्वर जो मिले हैं वो सारे के सारे द हिंदू को दिए गए हैं। और ये किसको दिया जाता है, तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये ऑफलाइन मीडिया नहीं, ये आपका डिजिटल मीडिया के लिए, डिजिटल मीडिया के जो पब्लिशर्स होते हैं, जो डिजिटल मीडिया के समाचार प्रकाशक है, डिजिटल मीडिया के जो समाचार प्रकाशक है, उ-
को यह दिया जाता है, प्रकाशकों को प्रदान किया जाता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों ये क्या है, ये आपका वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ पब्लिशर्स इफ्रा द्वारा दिया जाने वाला चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर का अवार्ड है, जो कि किसको दिया गया है, जो कि द हिंदू को दिया गया। यह अवार्ड दोस्तों इनको वर्चुअली डिक्लेयर किया गया था 3 मार्च 2021 को इनको डिक्लेयर किया गया। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, सभी लोग क्लास को शेयर भी कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर इस बार शीर्ष पर रहने वाला राज्य है जो कि स्की गेम्स में है। तो दोस्तों यहाँ पर स्की गेम्स की बात करें, जो विंटर ओलंपिक्स होते हैं या जो विंटर जो भी आपके गेम्स होते हैं दोस्तों, जनरली ये ग्लेशियर्स बर्फ से संबंधित होते हैं, जिसमें स्कीइंग एंड आइस हॉकी वगैरह इसमें रखी जाती है। भारत में आइस हॉकी उतनी नहीं खेली जाती है, लेकिन फिर भी भारत में भी आइस हॉकी का एक सिस्टम, एक प्रमोशन हो रहा है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर ने 11 गोल्ड 18 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते। इस तरीके से इस बार का जो सेकेंड ही संस्करण है आपका खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स का, इसमें दोस्तों क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर ने सबसे ज्यादा पदक प्राप्त किए। ध्यान रखिए दोस्तों ये कहां पर होता है, तो ये बारामूला के गुलमर्ग क्षेत्र में जो स्की रिजॉर्ट है वहां पर ये 26 तारीख को 5 दिवसीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। ध्यान रखिए दोस्तों ये आपके जम्मू कश्मीर में ही स्टार्ट किए गए थे। तो जम्मू कश्मीर में बारामूला, जो कि एक आर्मी सेक्टर भी है, बारामूला के गुलमर्ग क्षेत्र में जो स्की रिजॉर्ट है, स्की रिसोर्ट में इसको आयोजित किया गया था। और दोस्तों ये इस आयोजित किया गया था 26 फरवरी को आयोजित किया गया। और इसमें दोस्तों कौन जीता है, जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा यहाँ पर पदक प्राप्त किए, जिसमें 11 गोल्ड 18 सिल्वर और दोस्तों क्या है 18 सिल्वर और आपका 5 कांस्य पदक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी लोग क्लास को शेयर भी कर देंगे। हाल ही में नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक, जिसको म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स कहते हैं, 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है। तो ध्यान रखिए दोस्तों इस बार आपका इसमें भोपाल, इंदौर, सूरत सब दिया है, तो मैं आपको बता दूं इसमें तो आपका इंदौर होगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि पहला, इस प्रकार का जो एमपीआई इंडेक्स होता है, जो म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है दोस्तों, जिसको एमपीआई कहते हैं, एमपीआई 2020 जो है इसको कौन लॉन्च करता है। तो सबसे पहले ये लॉन्च करने वाला कौन है दोस्तों, ये लॉन्च करने वाले हैं आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा, इसको अर्बन जो मिनिस्ट्री होती है, डोमेस्टिक एंड अर्बन मिनिस्ट्री जो है, जिसके हरदीप सिंह पुरी जी इसके मंत्री हैं, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आपका आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों यहाँ पर दो कैटेगरी रखी गई, एक रखी गई मिलियन प्लस सिटीज की, जो मिलियन प्लस सिटीज है, और एक कैटेगरी है जो मिलियन से कम जनसंख्या वाली सिटीज है। तो दो प्रकार की सिटीज रखी गई दोस्तों, जिसमें मिलियन प्लस सिटीज में, जिसमें मिलियन प्लस सिटी में दोस्तों इंदौर, सूरत और भोपाल, ये तीनों शहर नंबर 1, 2, 3 पे है। इंदौर जो कि पिछले 4 सालों से भारत का सबसे साफ शहर घोषित हुआ है, उसके बाद दोस्तों सूरत, और इसके बाद आपका भोपाल। तो भारत के 3 सबसे साफ शहर घोषित किए गए हैं जो कि मिलियन प्लस सिटीज में है, वो दोस्तों आपके इंदौर, सूरत और क्या है, भोपाल है। दोस्तों अगर बात करें मिलियन से कम संख्या वाली जो सिटीज हैं, उनमें आपका एनडीएमसी, जिसको बोला गया है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, इसके बाद दोस्तों तिरुपति दूसरे नंबर पर, तिरुपति है, और तीसरे नंबर पर दोस्तों गांधीनगर गुजरात। तो इस तरीके से दोस्तों ये मिलियन प्लस कम सिटीज हैं, और ये मिलियन प्लस हैं, और वो मिलियन से कम सिटीज हैं, जो कि म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या की गई है, घोषित की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में जारी 11वीं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा। पहली बात तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग है ये दोस्तों शुरू की गई थी सबसे पहले 2004 में, 2004 में इसको प्रारंभ किया गया था, 2004 में इसको दोस्तों क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और इसका जो संस्थापक है, इसके संस्थापक का दोस्तों नाम ही है क्या, इसके संस्थापक का नाम है क्वेस्ट
क्वैक क्वेरली, ध्यान रखिएगा इसका क्यू से नाम ही है दोस्तों, क्वैक क्यू रैली साइमंस पूरा इसका नाम है, और इसी के द्वारा जो कि यूनाइटेड किंगडम का है, यूनाइटेड किंगडम के क्वैक क्वेरली साइमंस द्वारा 2004 में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग शुरू की गई थी। और ध्यान रखिएगा दोस्तों इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इस बार की जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है दोस्तों 2021 की, इस बार भी वही यूनिवर्सिटी नंबर वन पे आई है जो कि दोस्तों पिछले देखा जाए पिछले 9 सालों से लगातार नंबर वन पे है दोस्तों, वो है मैसाचुसेट्स। ध्यान रखिएगा मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी जो कि आपकी यूएसए बेस्ड यूनिवर्सिटी है दोस्तों, यही यूनिवर्सिटी पिछले 9वीं बार नाइन्थ ईयर लगातार 9वें साल से क्या हो रही है, मैसाचुसेट्स नंबर वन पे जा रही है। और ध्यान रखिए दोस्तों दूसरे नंबर पे जो यूनिवर्सिटी है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है जो कि ये भी दोस्तों सैन फ्रांसिस्को क्षेत्र में है यूएसए में। और ध्यान रखिएगा कभी आपने इसका नाम सुना होगा तो मैं आपको बता दूं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कभी हम लोग के भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था लाला हरदयाल, हरदयाल इस यूनिवर्सिटी के शिक्षक भी थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पे है जो कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में है। और ये कैम्ब्रिज की बात करें तो कभी आपने नाम सुना होगा जो पाकिस्तान का जो नाम शुरू हुआ, तो पाकिस्तान का जो नाम शुरू किया गया था वो दोस्तों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ही लोगों ने, वहां के जो इस्लामिक लोग हैं उन लोगों ने इसको नाम दिया था पाकिस्तान, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों ध्यान रखिए मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी दोस्तों नंबर वन पे है, स्टैनफोर्ड नंबर दो पे है और कैम्ब्रिज नंबर तीन पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस रॉकेट कंपनी ने स्टारशिप SN10 प्रोटोटाइप रॉकेट का सफलतापूर्ण लॉन्च किया। दोस्तों आपको मैं बता दूं, एलन मस्क की एक कंपनी है, कौन सी, स्पेसएक्स, जिसकी 2002 में स्थापना हुई थी और ये आपकी कैलिफोर्निया में है और ये एलन मस्क इसके मालिक और इसके फाउंडर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा एलन मस्क की बात करें आपको स्पेसएक्स की, तो स्पेसएक्स ने भी हाल ही में दो फेलियर के बाद इन्होंने 10,000 किलोमीटर हाइट तक जाने वाले एक रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया जो कि 10,000 किलोमीटर तक जाकर सफलतापूर्वक नीचे लौट भी आया। लैंडिंग साइट पर गिरने के बाद ये 6 मिनट बाद फट गया, वो बात अलग है, लेकिन दोस्तों इसको असफल नहीं मान सकते क्योंकि ध्यान रखिएगा इनका जो कोशिश थी वो ये थी कि इनका जो स्टारशिप SN10 जो प्रोटोटाइप रॉकेट है दोस्तों इसकी फ्लैपिंग कितनी है, ये कितनी फ्लैपिंग कर सकता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा दो फेलियर के बाद 10,000 किलोमीटर की हाइट तक एक रॉकेट लॉन्च किया गया है, जिस रॉकेट को दोस्तों क्या बोला गया है, इस रॉकेट को बोला गया है क्या, स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट SN10। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इस तरीके से 10,000 किलोमीटर की हाइट तक जाने के बाद ये सफलतापूर्वक लैंड भी कर गया। बस्ट होने का मतलब है कि इसके इंजन का पूरा जो फ्यूल जब खत्म हो गया तो वो बस्ट तो हो ही जाएगा, तो फ्लैपिंग देखी जा रही थी कि ये फ्लैपिंग कर सकता है कि नहीं। दो फेलियर के बाद इसका सफलतापूर्वक क्या हुआ, स्पेसएक्स ने इसका परीक्षण किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे और पढ़ाई भी करते रहेंगे। हाल ही में कौन सा क्रिकेटर एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाला दुनिया का तीसरा बल्लेबाज बन गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपके तीनों ही दिख रहे हैं लेकिन आपका यहाँ नाम किसका है, किरण पोलार्ड का है। ध्यान रखिए दोस्तों अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज का और श्रीलंका की T20 सीरीज चल रही है, तो वेस्ट इंडीज श्रीलंका की जो T20 सीरीज हुई है दोस्तों, इस T20 सीरीज का जो फर्स्ट मैच था, इस मैच में जो पोलार्ड साहब हैं जिनको उम्मीद भी की जा सकती है कि वो ऐसा कर भी सकते हैं क्योंकि पोलार्ड और जो आपके क्रिस गेल है दोस्तों इसी के लिए जाने जाते हैं लोग, तो पोलार्ड ने 6 बॉल पे क्या किया है, इसने 6 बॉल पे 6 सिक्सेस मारकर ये दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं, दुनिया के तीसरे बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने लगातार 6 बॉल पे कितने छक्के मारे हैं, 6 छक्के मारे हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें T20 की, तो T20 में अभी तक केवल 2 ही लोग हैं, पहले नंबर पे युवराज सिंह और दूसरे नंबर पे दोस्तों कौन है, दूसरे नंबर पे आपके पोलार्ड हो गए हैं। क्योंकि अगर हर्षल गिब्स की बात करें तो हर्षल गिब्स ने T20 में नहीं, इन्होंने वनडे मैच में मारे,
ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर T20 में अगर पूरा मिलाएंगे तो युवराज, हर्षल गिब्स और आपके पोलार्ड, और वैसे अगर देखेंगे तो पोलार्ड दूसरे T20 बल्लेबाज है जिन्होंने 6 बॉल पे 6 छक्के मारे हैं। ठीक है, क्लियर है सभी का? चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहता है, हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैसे ईज ऑफ डूइंग यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कौन सा राज्य अपने राज्य की मार्केट को खोलता है अन्य राज्यों के लिए? तो इस तरीके से दोस्तों क्या होता है, इस तरीके से आपकी मार्केट में जब बाहर के राज्य का माल आता है तो आपको भी अन्य राज्यों में अपने वस्तुओं को प्रदर्शित करने का, उनको बेचने का मौका मिलता है। इससे दोस्तों सौहार्दपूर्ण और दोस्ती के संबंध वाली मार्केट स्थापित होती है। वैसे ही दोस्तों ईज ऑफ लिविंग, जीवन में जो सुगमता है जीने की, उसके आधार पर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 अभी हाल ही में जारी हुआ है, और हाल ही में ये जो नंबर एक जो शहर घोषित किया गया है दोस्तों, बैंगलोर घोषित किया गया। ध्यान रखिएगा एक बार फिर से, आवास और शहरी मंत्रालय, आवास और शहरी मंत्रालय के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी ने इस बात की घोषणा की कि बैंगलोर, हरदीप सिंह पुरी जी ने इस बात की घोषणा की कि दो प्रकार की सिटीज बनाई, एक बनाई मिलियन प्लस, फिर से वही बात आई मिलियन प्लस आबादी, और एक दोस्तों आई मिलियन से कम आबादी। तो मिलियन से प्लस आबादी की देखी जाए, मिलियन प्लस, तो इसमें दोस्तों नाम किसका आया है, बैंगलोर का है। साउथ इंडिया में बैंगलोर एक तरीके से, एक समय था कि वहां पर पानी की उपलब्धता इतनी कम हो गई थी कि बैंगलोर दक्षिण भारत के सबसे खराब राज्यों में क्या किया गया था, डिक्लेयर किया गया था। लेकिन अभी हाल ही में दोस्तों क्या हुआ है, हाल ही में बैंगलोर को ईज ऑफ डूइंग में नंबर वन घोषित किया गया है। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है क्या, दूसरे नंबर पे पुणे को घोषित किया गया है, और तीसरे नंबर पे दोस्तों अहमदाबाद को घोषित किया गया है। तो भारत के जो तीन ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग वाले जो आपके शहर हैं, उनमें आपका पहला बैंगलोर है, दूसरा पुणे है, और तीसरा अहमदाबाद है। ये मिलियन प्लस सिटीज है। अगर मिलियन से कम देखेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा मिलियन से कम में शिमला, भुवनेश्वर और सिलवासा, शिमला हिमाचल, उड़ीसा का भुवनेश्वर और एक दोस्तों सिलवासा, ये टॉप मोस्ट थ्री सिटीज हैं ईज ऑफ लिविंग में, जो कि आपका मिलियन से कम जनसंख्या वाले राज्य में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल के किसी भी शहर को इस बार क्या नहीं किया गया था, पश्चिम बंगाल के किसी भी शहर को ईज ऑफ लिविंग में क्या नहीं किया गया, शामिल नहीं किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, टोटल 111 सिटीज में इस प्रकार का ईज ऑफ लिविंग का जो इंडेक्स बन रहा था, उनमें जो टॉप मोस्ट है ये है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये आज की आपकी करंट अफेयर्स है। आज के लिए इतने रखते हैं दोस्तों, कल फिर से सुबह 7 बजे हम आपके लिए हाजिर होंगे। सभी लोग क्लास को शेयर करते रहिए और सभी लोग मन लगा के पढ़ते भी रहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए आगे आने वाले एग्जाम्स आपकी लाइफ को तय करने वाले हैं कि आप आगे चल के क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, जय हिंद।